किसान यात्रा के दौरान कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी झांसी पहुंचे, जहां उन्होंने किसानों को संबोधित किया। किसानों को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला किया। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार सिर्फ चंद उद्योगपतियों का कर्ज माफ करने में जुटी है। उन्होंने कहा कि सरकार अगर ऐसा करना चाहती है तो करे, लेकिन साथ ही उसे किसानों का कर्ज भी माफ करना होगा। प्रधानमंत्री अगर 1,10,000 करोड़ रुपए कर्जा माफ करना चाहते हैं, ठीक है, मैं उससे सहमत नहीं हूँ कि हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोगों को की मदद की जाए, मगर ठीक है, करना चाहते तो कर सकते हैं। मगर अगर उन्होंने 1 रुपया उनका माफ किया तो फिर मेरे किसान भाइयों का भी वो 1 रुपया माफ करें। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि इस देश में सिर्फ चुने हुए लोगों का फायदा हो, सबका सब चुने हुए लोगों को किया जाए और जो हमारे लोग काम करते हैं, खून पसीना देते हैं, उनको सरकार भूल जाए।